It started. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इला गुप्ता किचन में। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अमूल को। अभी 26 पीपल हैव जॉइंड, लेट अस वेट फॉर मोर पीपल टू जॉइन, देन यू कैन स्टार्ट। ओके, तो तब तक मैं जो भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। मैं इला गुप्ता दिल्ली 6 को बिलोंग करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं केटरिंग का काम भी करती हूँ, और अगर आप किसी को भी दिल्ली 6 का ऑथेंटिक खाना या किसी भी तरह का खाना खाने का मन हो तो ये मेरा केटरिंग का नंबर है, आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही मेरा इंस्टा का हैंडल है, आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई डिशेस की वीडियोस मिल सकती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो करें, और अगर कुछ चाहें तो केटरिंग का ऑर्डर भी दें। तो अब मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी अमूल का, जिन्होंने एक बार फिर आप सभी दोस्तों से मेरे को जुड़ने का मौका दिया। सबसे पहले अच्छी बात यह कि नया साल नया वीक, तो आप सभी का ये नया साल बहुत सुखद रहे। 2020 की तरह किसी के दिल में कोई भी बुरी एक मेमोरी ना रहे, तो बहुत अच्छा साल जाए। तो मैं इसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर एक मीठी चीज और एक नमकीन चीज आपको सिखाने वाली हूँ आज। आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ मटर का हलवा, और साथ में एक चीजी बाइट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगी, तो वह मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अभी? देर आर अराउंड 122 पीपल। ओके, एम आई ऑडिबल? मैं सबको आवाज मेरी सुनाई दे रही है, कोई भी थम्स अप करके बताए, और मैं क्लियर, सबको विजिबल है? अमूल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। अमूल ने हमें इतने सारी तरह की चीजों गिफ्ट्स दिए हैं जो कि हमारी कुकिंग को बहुत इजी बना दिया है, बहुत यमलिशियस बना दिया है। मतलब हम उन चीजों को अपनी जितनी भी जो रेसिपीज होती हैं इसमें मिला के उनको एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम दे रहे हैं अपनी डिशेस को। अमूल ने एक से एक नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, तो आप उनकी एक लुक भी देख सकते हैं। और मैं मैक्सिमम टाइम अमूल के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी को बेहद पसंद है अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। तो आज अब हम चलते हैं अपने मटर के हलवे की तरफ। तो मैं दिखा देती हूँ कि उसमें मैं क्या क्या यूज करने वाली हूँ। ऑफकोर्स, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, हरे मटर, तो मैंने कुछ नहीं किया, इन हरे मटर को ग्राइंड कर लिया है। और आपको मैं दिखा दूं इनकी जो आप ये देखिए, इस तरह से अगर आप इसको ऐसे लेंगे तो आपको इसमें दरदरापन दिखेगा। इसका हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है? तो मैंने इस तरह से इनको ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये अप्रोक्स मैंने आधा किलो के करीब मटर के दाने जो मैंने लिए हैं, साथ में मैंने लिया है अमूल का शुद्ध देसी घी, साथ में ये मिल्क पाउडर है, काजू मैंने थोड़े से चॉप करके रख लिए हैं, बादाम है और उनको फाइन चॉप करके यहाँ पे भी रख लिया है, किशमिश है, पिस्ता है, नटमेग है जस्ट वन पिंच, साथ में मेरे को चाहिए होगी चीनी, खोया और दूध। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी पैन में देसी घी, एक चम्मच भर के देसी घी। देसी घी को हम बीच बीच में डालते रहेंगे अपनी रेसिपी के साथ साथ। और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें, जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पहले दूध। अमूल जो प्योर घी का अरोमा है वो बहुत ही बढ़िया है, और जैसे ही हमारा ये दूध गर्म होगा मैं इसमें ये अपना जो मटर का मैंने प्योरे बनाया है, एक्चुअली इट्स नॉट ए प्योर प्योरे,
थोड़ा कॉर्सली ब्राउन करा हुआ है इसको मैंने, तो ये देखिए इसको मैंने ऐड कर दिया है। और इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है ताकि जो मटर के कच्चेपन की एक जो स्मेल है आपको इसको भूनते भूनते खुद फील होने लगेगा कि अब ये भून गया है। तो हमें इसको धीमी आंच पे भूनना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। और हम इसमें धीरे धीरे दूध भी ऐड करते जाएंगे। ऑल्सो द व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट्स एंड मिसेस जिला गुप्ता विल आंसर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से भूनना शुरू कर दिया है और आप देखेंगे धीरे धीरे भूनते भूनते जो इसका कलर है वो चेंज होता जाएगा। दूध मैंने इसलिए डाला है जैसे हम गाजर के हलवे में दूध डालते हैं और वो हेल्प करता है गाजर को पकने के लिए, क्योंकि ये भी मैंने रॉल मटर ली थी तो इसको पकने के लिए दूध इसमें हेल्प करेगा। अगर हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं मटर को तो हम डायरेक्ट घी में भी इसको भून सकते हैं, लेकिन मेरे को जो कच्चे मटर का टेस्ट होता है वो ज्यादा पसंद है तो मैं आपको इस तरह से सिखा रही हूँ आज। इसको हम धीरे धीरे भूनते रहेंगे और लगातार चलाते चलाते। एनी क्वेरीज? Miss Indra has asked, how much मटर have you taken? मैंने 500 grams ली थी मटर और उसके जितने भी दाने निकले उसको मैंने इस तरह से पीस लिया था। रिंकू सिंघा का क्वेश्चन है, ग्रीन मटर एंड मिल्क का एक बार रेशियो बता दीजिए। देखिए मटर तो डिपेंड करता है कि आपकी मटर में दाने कितने निकल रहे हैं। मैंने अभी हाफ कप के करीब दूध लिया था और 1/4 यूज कर लिया और 1/4 अभी मेरे पास है। ये भुनना शुरू हो चुका है तो हम धीरे धीरे करके इसमें आधा चम्मच और घी डालेंगे। ईशा ढिंगरा इज सेइंग नाइस टू सी यू मैम। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अभी बार बार आके अपनी रेसिपीज आप लोगों को सिखा पाऊँ। थैंक्स टू अमूल कि वो मेरे को ये बार बार मौका देते हैं कि मैं आप लोगों से जुड़ूं, मिलूं, आप लोगों से बातें करूं। और ये मेरे को बेहद पसंद है कि आप सबसे मेरा इस बहाने मिलना हो जाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से भुन रहा है ये। Also for the viewers, we have our YouTube channel by the name of Ila Gupta's Kitchen. Although it was very dormant, but we have started uploading regular recipes. So, आप सब एक बार please उसको visit कीजिए and उसको subscribe भी कीजिए। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ approx 2 full teaspoon milk powder. अगेन मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी और साथ ही ऐड करूंगी थोड़ा सा खोया 2-3 स्पून। एक बार में घी डालने से हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं हो पाता और जो उसकी शाइन है वो बार बार हम घी डालते हैं तो बहुत सुंदर आती है। मोर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आर वेलकम। आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप जरूर पूछ सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ। मैंने चीनी ली है अप्रोक्स 100 से 125 ग्राम। बहुत ही अच्छा एक अरोमा आ रहा है देसी घी का, खोए का, मटर भुनने का। आप लोग भी जरूर इसको फील कर रहे होंगे।
अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काजू, इसमें थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश और 1 pinch ऑफ नटमेग पाउडर, जायफल बहुत इजीली मिल जाता है, हर जगह अवेलेबल है, तो उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। मिसेस मधु पुरोहित हैज आस्क्ड कि व्हाट हैव यू एडेड विद घी। मैंने दूध डाला था शुरू में, ताकि दूध और घी का एक जब कॉम्बिनेशन हमारा गर्म हो गया था, तो मैंने जो हमारी मटर की प्योरी थी उसको ऐड करा था। और विद इन 2 or 3 minutes इट विल बी डन। रूपाली गुप्ता इज आस्किंग व्हाट आर यू मेकिंग, शी मस्ट हैव जॉइंड लेट। ओके, मैं मटर का हलवा बना रही हूं। और एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूंगी, अगर आप इसको और ज्यादा हलवे से ज्यादा इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, तो आप इसको बर्फी के फॉर्म में जमा सकते हैं। और आप अगर इसको जमाएंगे और इसको जब यूज करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप पिस्ते की लॉज आपके सामने है। तो आप जरूर एक ये वाला इसका जो एक नया तरीका है वो भी ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अभी लाइव में मैं आपको इतनी जल्दी जमा के नहीं दिखा सकती, लेकिन ये बहुत अच्छी टिप है। अब मैं थोड़ी सी फ्लेम हाई कर रही हूँ। अंशु गुप्ता है सेड नाइस टू सी यू शेफ, यू आर अमेजिंग, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। हाफ स्पून घी और ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि इसमें अच्छा सा शाइन एंड कलर आ जाए। सर्दियां हैं, घी खाना बहुत अच्छा है बॉडी के लिए और हजम भी हो जाता है, तो मैं आप सबको कहूंगी कि इस मौसम में घी और मेवा इन चीजों का मैक्सिमम यूज कीजिए। हाँ, वर्कआउट बहुत जरूरी है उन चीजों को हमें डाइजेस्ट करने के लिए भी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि आप वो ये चीजें जरूर कंज्यूम करें अपने डेली लाइफ में। मिस सुमेधा हैज सेड नाइस रेसिपी मैम। थैंक यू सो मच सुमेधा। ये देखिए इसने एजेस छोड़ दी है और ये ऑलमोस्ट बन चुका है। नाइस कलर, व्हाट्स इट, ये देखिए। जरा सा ठंडा होते ही हम करेंगे इसकी प्लेटिंग की तैयारी। तो अभी मैं इसको नॉनस्टॉप स्टर करते करते आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ तक की रेसिपी जो मैंने बताई है वो क्लियर है, या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सुमा मोहित है सेड सुपर्ब, स्वाति गुप्ता है सेड ब्यूटीफुल कलर, थैंक यू स्वाति, सुमन गुप्ता है सेड टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी शेफ, थैंक यू सुमन। आई होप आप सब लोग जरूर ट्राई करेंगे अपने अपने घर में, और बनाने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, आप सबको कैसा लगा जरूर मुझे टैग करेंगे और मुझे बताएंगे जरूर। रिंकू सिंघा है सेड ब्यूटीफुल, थैंक यू। ऑल द व्यूअर्स वी आर अगेन रिपीटिंग, you can connect with us on Instagram @IllaGuptasKitchen, on YouTube @IllaGuptasKitchen, and also on the personal account of Mrs. Illa Gupta. We do catering, we do promotions, activities, everything, so you can connect with us. So Miss Mallika Iyer has just joined and she is requesting us to repeat the ingredients once again. Yeah, sure. मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें हरी मटर की प्योरी थी, तो इस बीच ये ठंडा भी होता जाएगा, it's good. मैंने इसमें लिया घी, चीनी, खोया, दूध, साथ में नट्स, अगर आपको पसंद है आप डालिए, नहीं पसंद है मत डालिए, लेकिन हाँ ये रिक्वेस्ट जरूर होगी, नटमेग पाउडर, जायफल का पाउडर ये जरूर यूज कीजिए।
तो इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और मैं फिर इसकी करती हूँ सुंदर सी प्लेटिंग। दीपशिका महेश्वरी has said looking very tasty, thanks for sharing. Thank you दीपा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर। मैंने क्या करा था, इस ग्लास में पहले रोज पेटल्स डाली हैं, रबड़ी डाली है और फिर मैं ये हलवा पोर कर रही हूँ। अगेन मैं इसमें थोड़ी थोड़ी रबड़ी डालूंगी। रबड़ी बनाना बहुत इजी है, दूध को आपको तब तक अच्छे से चलाते रहना और पकाते रहना है जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। इसमें मैंने कोई भी नट यूज नहीं किए हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज नहीं किए हैं, सिंपल बेसिक रबड़ी है। अंशु गुप्ता इज सेइंग योर रेसिपीज आर ऑलवेज ऑसम एंड वेरी इनोवेटिव जस्ट लाइक यू। थैंक यू सो मच। स्वाति गुप्ता इज सेइंग अमेजिंग कॉम्बिनेशन। पहले हम थोड़ा थोड़ा हलवा कोट करते हैं, आगे थोड़ा सा ग्रीन कलर। और इसमें मैं नट्स डालूंगी, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा खोया। श्रद्धा वाशने सिंह लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। कौन, रेसिपी या मैं? भूमिका पटेल इज सिंह लुक्स अमेजिंग। थैंक यू भूमिका। अंजू चोपड़ा इज सिंह ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू। तो अब ये देखिएगा मेरा ये मटर का हलवा रेडी है, तो आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा और अब हम चलते हैं जल्दी से दूसरी रेसिपी की तरफ। स्वाति गुप्ता इज सेइंग बोथ। अच्छा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू ऑल। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स मतलब मेरा एकदम कॉन्फिडेंस हाई कर देते हैं। रिंकू सिंघा इज आस्किंग कि मटर की बर्फी हम कितने दिन रख सकते हैं स्टोर करके, प्रिजर्व करके? ज्यादा नहीं, इसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 डेज होती है क्योंकि हम लोग रॉ चीजें यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, लेकिन आपके बचेगी ही नहीं 2-3 दिन से ज्यादा क्योंकि वो इतनी टेस्टी बनेगी। तो नाउ वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट रेसिपी जो हम बना रहे हैं, पोटैटो चीजी पाइस। अभी मैं पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आपको एक बार बता देती हूँ और उसके बाद हम रेसिपी शुरू करेंगे। निधि गुप्ता इज सेइंग सुपर्ब। थैंक यू सो मच। ईशा ढिंगरा इज सेइंग वेरी ब्यूटीफुल प्लेटिंग। थैंक यू। अर्चना मिश्रा इज सेइंग वेरी यमी। आप बनाइए, खाइए, फिर जरूर आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये बहुत यमी है। तो इसके लिए मेरे को ऑयल गरम करना होगा इस रेसिपी के लिए, तो पहले मैं ऑयल गरम करने रख देती हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ईशा ढिंगरा इज सेइंग यू आर सो नाइस मैम। तो आइए अब चलते हैं चीजी पाइस की तरफ। ऑफ कोर्स इसमें अमूल का चीज ये मैंने यूज करा है, साथ में मेरे को चाहिए अब इसके लिए ये
ये मैंने मीडियम साइज के 5 से 6 आलू थे जिनको बहुत फाइनली ग्रेट कर लिया है और मैं इसको इस बोल में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, इसके लिए चाहिए मेरे को रिफाइंड फ्लावर, मैदा, आप कॉर्न स्टार्च भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं मैदा यूज कर रही हूँ। साथ में मैंने यूज करना है इसमें काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो यूज कीजिए, नहीं खाते हैं तो छोड़ दीजिए। व्हाइट विनेगर, जो हमारा जो रेगुलर विनेगर है, चीज एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट। सीजनिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ पिज्जा सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं डालने वाली हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर अप्रॉक्स मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब। थैंक यू अंशु दी फॉर योर फीडबैक एंड कमेंट्स, हाईली अप्रिशिएटेड। मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये विनेगर, सॉल्ट फॉर टेस्ट। साथ में मैं ऐड करने वाली हूँ पिज्जा सीजनिंग, अप्रॉक्स 2 स्पून के करीब मैं डाल दूंगी इसमें क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चिली फ्लेक्स। सो मिस अंजना सेठ इज रिक्वेस्टिंग टू रिपीट द रेसिपी। सो मिस अंजना, you can watch this particular recipe and after the video, the live is over, you can watch the entire video and you will be able to see the first recipe very clearly in that. And I will repeat all the things after the ये सब ये मैंने इसमें add कर दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 से 2 चम्मच oil और इसको हमें जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लेना है। थैंक यू मिस ईशा डिंगरा। ये वाला अभी तक का जो मैंने जितना भी आपको बताया वो क्लियर है, या मेरे को दोबारा से कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो आप बताएं, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। हमें ये देखना है कि ये बहुत अच्छे से डो बन जाना चाहिए तो हम रिफाइंड फ्लावर इसमें टाइम टू टाइम ऐड करेंगे। मिस भूमिका पटेल इज आस्किंग इज विनेगर कंपलसरी टू ऐड? ना, वो इनहेंस करता है टेस्ट को, इसलिए मैंने ऐड करा है। इट्स टोटली अप टू यू। निशेश कैन यू हेल्प? इसको थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना है। थैंक यू सो मच। मैं इसमें कौन इसमें रिफाइंड फ्लावर और थोड़ा सा ऐड कर रही हूं। बिल्कुल हमें इसी तरह से बनाना है जैसे हम आटा लगाते हैं। Miss Jyoti Jain, I hope you are able to see now. I've put a close up on the camera. So Miss Shraddha Vashne, Miss Shraddha Vashne is asking which cheese are you using? मैंने अमूल का मोजरेला लिया है। क्यूब्स चीज भी ले सकते हैं आप, स्लाइस भी ले सकते हैं। It's totally up to you कि बच्चों को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। चीज तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद है तो जो भी आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। मिस ईशा डिंगरा इज आस्किंग पोटैटो में क्या सीजनिंग डाली है आपने? मैंने पिज्जा जो हम लोग सीजनिंग होती है वो डाला है और आप अलग से भी डाल सकते हैं, ओरिगैनो, बेसिल वगैरह, रोजमेरी। मैंने जो पिज्जा सीजनिंग है और साथ में काली मिर्च, नमक, साथ में चाट मसाला और साथ में मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। Miss Mallika Iyer is saying commendable and outstanding both chef and the narrator, hats off. So thank you Miss Mallika for your kind comments. अब मेरे को क्या करना है, इसकी दो गोल बना लेनी है जैसे हम एक बड़ा वाला पराठा बनाते हैं, kind of इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी बॉल्स बने वो इक्वल बने। मैं एक बार हैंड्स वॉश करके आऊंगी। टिल दैट टाइम आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं,
There's an open house. You all can ask anything and everything. And once again, repeating, you can subscribe to our YouTube channel. You can follow our Instagram page. Both are named Ella Gupta's Kitchen. I'll spell it out. ILLAGUPTASKITCHEN. मैं पहले इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ और अब हम क्या करेंगे, हमें इसको रोल करना है। थोड़ी सी मैदा मैं नीचे भी डस्ट कर लूंगी। So, Ms. सुमन शर्मा इज आस्किंग क्या बन रहा है। ये बन रहे हैं पोटैटो चीज बाइट्स। शैलजा राठी सेइंग योर वॉइस इज टू गुड। So is it for the chef or the narrator? Both. Thank you so much. ये इस तरह से हमें दो इसकी kind of चपाती, रोटी, पराठा, आप जो भी समझ लें, ये totally आलू और मैदा है और इसको हमने ऐसे रोल कर लेना है, ठीक है? So it was for the narrator. Okay. थैंक यू मिशेल जराठी। तो अब आप देखिए मैं इसको चीज को कैसे प्लेस कर रही हूँ, आपको ये एक बार देखने वाला है कि इसको हम कैसे प्लेस करेंगे, लाइक दिस। मिस सुमन शर्मा इज सेइंग रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही है। यस ऑफ कोर्स, आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये इस तरह से हमने रखा इसको, ठीक है, और ये दूसरा है इसको इससे कवर करा और पहले हम इसके एजेस सील करेंगे। राइट, ये इतना क्लियर है सबको? अ फ्यू पीपल आर आस्किंग टू रिपीट द रेसिपी द स्टेप्स वंस अगेन, सो इफ यू कैन डू दैट ब्रीफली। या श्योर। मैंने 5 से 6 आलू लिए थे, ठीक है, और उन आलूओं को मैंने बहुत फाइन ग्रेट करा। आपको अच्छे से मैश करना है, लम्स नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है जी। और उसके बाद हमने कॉर्नफ्लावर के साथ एक डो बना लिया, सीजनिंग करी पिज्जा सीजनिंग से और साथ में चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, इन सब के साथ थोड़ा सा विनेगर डाला और मैं अब इनको कट कर रही हूँ। और फिर मैंने साथ में आपके सामने भी इसमें चीज लगाया है और इसको हम फिर अब फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मैं पहले सारे ट्रायंगल्स निकाल लेती हूँ और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। अर्चना श्रीवास्तव इज सेइंग लुक्स यम्मी। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, बेहद पसंद आने वाली है रेसिपी। एक्स्ट्रा डो हम बाद में यूज कर लेंगे। तो अब इसको चेक कर लेंगे कि कहीं से ओपन तो नहीं है, ये इसके अच्छे से सील है। और एक बार हम थोड़ा सा आलू डाल के देख लेंगे। यस, मैं इसको थोड़ा सा लो पे लेके जाऊंगी। प्रतिभा जैन इज सेइंग शी विल डेफिनेटली ट्राई। बिल्कुल, और जब आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा बनेगा, तो आप टैग करना ना भूलिएगा इला गुप्ता किचन और इला गुप्ता को। मिसेस लता गुप्ता इज सेइंग टेस्टी रेसिपी। मिस दीपशिका महेश्वरी इज सेइंग रियली सुपर्ब रेसिपी। थैंक यू सो मच। रिंकू सिंघा इज सेइंग वाओ। मिस प्रिया जैन इज सेइंग परफेक्ट मैम, परफेक्ट रेसिपी। थैंक यू सो मच प्रिया। मिस अंजू चोपड़ा इज सेइंग यमी। करना है और एक अच्छा सा कलर डालना है इसको।
अंशु गुप्ता इज सेइंग माउथ वाटरिंग मैम ये क्या बना दिया इस मौसम में, इट्स इररेसिस्टिबल। आ जाइए सब लोग घर आ जाइए। स्वाति गुप्ता इज सेइंग इट लुक्स सिंपली ऑसम। थैंक यू सो मच। मिस मधु पुरोहित हैज आस्क्ड कैन वी शैलो फ्राई इट। वो फिर ना टेस्ट नहीं आएगा मधु जी, आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन कभी कभी चीटिंग भी चलती है, कभी कभी हमें फ्राइड भी खा लेना चाहिए। And same is for Miss Bhavna Gada's question. You can bake it, but then again, you won't find the same taste. Yes, of course. You can bake. उसको आप milk wash कर दीजिए या oil wash कर दीजिए, आप कर सकते हैं. लेकिन हाँ, एक बार fry करके जो taste आएगा, वो अलग ही आएगा. Rinku Singha is saying she'll definitely try it today. Sure. और मैं फिर ये भी चाहूँगी कि जब try कर लें और आपको पसंद आए, तो आप tag जरूर करेंगे ना इला गुप्ता को. Thank you, Mrs. Suman Gupta, for your kind comments. Bhumika Patel is saying we can even make it in a tikki form instead of triangles. Yes, great of recipe for it's cheese lovers. It's totally up to you. Shape आपके हाथ में है, आप किसी भी shape में, like इसको आप drop shape लीजिए, किसी भी shape में, heart shape में लीजिए, आप जो grated cheese जैसे अमूल ने हमें provide कर रखा है, grated cheese आजकल बहुत easily available है, उसकी एक heap बनाइए और कोई भी shape आप लीजिए। तो अमूल ने तो हमारी जो कुकिंग है वो आपको पता ही है कितना इजी कर दिया है, तो आप बस नई नई चीजें बनाते जाइए, खाते जाइए, खिलाते जाइए, मतलब हर चीज शेयरिंग से बहुत बढ़ती है। तो आप कुछ भी बनाए तो हमें शेयर कीजिए, और मैं जो सिखाऊं वो आप घर पे बना के मेरे को टैग कीजिए। मिसेस लता गुप्ता इज सेइंग खाने का मन कर गया। आ जाइए सब लोग घर। Any queries? सारी बहुत सिंपल रेसिपी लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप बिल्कुल घर पे ट्राई करें और जल्दी जल्दी से बनाएं और सब लोगों को खिलाएं, वाह भाई पाएं। तो मैं बहुत ही सिंपल रेसिपीज लेके आती हूँ, ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप इजीली बना सकें। ये अच्छे से सीख चुका है, तो मैं अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इनको मैं निकाल लूंगी रोमी जैन इज सेइंग टेस्टी यम्मी रेसिपी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोग खाली देखेंगे ही नहीं, सीखने के बाद घर पे ट्राई भी जरूर करेंगे। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद एज मच पीपल एज पॉसिबल, आपको लिंक मिल जाएगा। यू आर अगेन रिक्वेस्टेड टू विजिट आवर यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल्सो कनेक्ट विद अस ओवर फोन कॉल फॉर एनी केटरिंग ऑर्डर्स, एनी क्वेरीज, एनी इन्वाइट्स। We are open to your suggestions and your invitations. So here we are with our second recipe. कैसी लगी फ्रेंड्स? आप लोगों का जानना चाहूंगी, आप लोगों का लव एंड थम्स अप करके मेरे को बताइए कि शेयरिंग आपको जो मेरी रेसिपीज हैं कैसी लगी हैं। तो ये रही मेरी सेकंड रेसिपी आज की। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी रेसिपीज को। हम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे अमूल के पेज पर, आप मेरे को ज्वाइन कीजिए और नई नई रेसिपी सीखिए। साथ में मेरे इंस्टा पर भी आइए, वहां पर भी बहुत सारी आपको रेसिपी सीखने को मिलेंगी। यम लेट विद फूडीज पर आइए, वहां बहुत सारे शेफ्स के साथ, होम शेफ्स के साथ नई नई रेसिपी सीखने को मिलेंगी। तो मैं होप करती हूँ आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मेरा इंस्टा ज्वाइन करेंगे और हम लोग टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे
स्टे सेफ स्टे हेल्दी, 2021 सबके लिए बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद, बाय।